दोस्तों, अधिकतर लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि आखिर मुकेश अंबानी और रतन टाटा में कौन सबसे ज्यादा धनी है, अर्थात किसके पास सबसे ज्यादा जायदाद है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। आज के वीडियो में हम आपको मुकेश अंबानी और रतन टाटा की फुल नेटवर्थ के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जमशेद जी ने सन 1868 में 21,000 की पूंजी से एक कॉटन कंपनी की शुरुआत की और यहीं से टाटा ग्रुप की नींव पड़ी। जमशेद जी की उम्र उस समय सिर्फ 29 साल थी और उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत नागपुर शहर में एक कॉटन मिल बनाकर की थी। वो शुरुआत से ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते थे और कॉटन के बिजनेस को समझने के लिए वो कई बार इंग्लैंड भी गए थे। जमशेद जी ने अपनी कॉटन मिल को बहुत अच्छी तरह से चलाया और साथ ही अपने आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। असल में जमशेद जी का सपना एक स्टील कंपनी खोलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना था, क्योंकि जमशेद जी भारत को एक सशक्त देश बनाना चाहते थे और वो तभी संभव हो सकता था जब भारत में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जमशेद जी ने इन तीनों ही लक्ष्य को हासिल करने में अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अपने पूरे जीवन में वो इन तीनों में से एक भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए। एक बार जमशेद जी को इंडियन होने की वजह से एक 5-स्टार होटल में जाने से रोक दिया गया था और तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो एक ऐसा 5-स्टार होटल बनाएंगे जिसके अंदर सभी भारतीय लोगों को जाने की आजादी होगी, और तभी उन्होंने मुंबई का मशहूर ताज होटल बनवाया था। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने 1960 में मुंबई के अंदर अपनी पहली कंपनी रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी। ये कंपनी भारतीय मसालों और पॉलिस्टर यान का व्यापार करती थी। इसके बाद साल 1966 में धीरू भाई ने कपड़े का व्यापार करना शुरू और अपनी दूसरी कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। साल 1973 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया। अब रतन टाटा और मुकेश अंबानी दोनों की तुलना करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं हम कि दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है। दोस्तों, मुकेश अंबानी की बात की जाए तो उनकी प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जबकि रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो आज सभी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी हैं। अगर बात करें टाटा ग्रुप की तो रिलायंस कंपनी की तुलना में इसकी सहायक कंपनियों की संख्या बहुत नहीं, बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाटा ने लगभग हर एक इंडस्ट्री में अपनी दस्तक दी हुई है। ऐसे में अगर हम दोनों कंपनियों के मार्केट कैप यानी कि मार्केट वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम टाइम टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज्यादा रहता है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से ज्यादा है तो फिर रतन टाटा का नेटवर्थ मुकेश अंबानी से इतना कम क्यों है। असल में इसका कारण ये है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लगभग 48% शेयर के मालिक हैं। इसीलिए पिछले सितंबर में उनकी नेटवर्थ $88 बिलियन तक पहुंच गई थी। और अगर बात की जाए रतन टाटा की तो टाटा कंपनी में उनका शेयर 1% से भी कम है, जिसके कारण उनकी नेटवर्थ मुकेश अंबानी के सामने काफी कम नजर आती है। अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि अगर रतन टाटा सिर्फ 1% शेयर के मालिक हैं, तो फिर टाटा की बाकी शेयर होल्डिंग किसके पास है। तो दोस्तों, टाटा की लगभग 66% शेयर होल्डिंग उनके द्वारा बनाए गए चैरिटेबल संस्थाओं के पास है, जिनमें से सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी बहुत सी संस्थाओं के नाम शामिल है। ये सभी संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय लोगों की मदद करने का काम करती हैं। करीब 6,36,388 करोड़ के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी के नेटवर्थ से ज्यादा रकम तो टाटा ने दान कर दिया है। हुरून रिसर्च और एडल गिव फाउंडेशन की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। लेकिन अगर वो 66% शेयर उन संस्थाओं की जगह रतन टाटा के नाम होते तो यकीनन आज वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते। इन सभी चीजों से दोस्तों हमें एक बात तो पता चलती है कि मुकेश अंबानी भले ही पेपर पर अमीर है, लेकिन असली अमीर तो रतन टाटा है, वो दिल से अमीर है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानी फाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज ज्ञानी फाइट को फॉलो भी कर लें।